السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. सीनों में महसूस कर लेते,
हिफाजत की एक शक्ल ये थी कि सहाबा इकराम हाफिज़े कुरान बन गए। दूसरी शक्ल ये निकली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको लिखने पढ़ने का हुनर दिया, कुरान नाज़िल होता था सहाबा इकराम उसको लिख लिया करते थे, हर हर सूरत किस जगह पे होगी, कौन सी आयत कहाँ होगी, एक तरतीब के साथ सहाबा इकराम उसको लिखा करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इबला करा देते थे। तो हिफाजत की एक दूसरी शक्ल ये हुई कि कुरान करीम मुकम्मल जितना नाजिल होता था सहाबा इकराम उसको लिख लिया करते थे, पत्थरों पर, चमड़ों पर, औरात पर या दूसरी चीजों पर इसको महफूज कर लिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और सबके घरों में कुरान का मुसहफ यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सबके हाथों में हो गया, वरना पहले के जमानों में सबके घरों में कुरान नहीं हुआ करते, किसी के पास एक जुज है, किसी के पास एक सूरत है, किसी के पास चंद आयतें हैं या चंद अहकाम है, इस तरह हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सबके पास माल और दौलत की कसरत हुई, कुरान के नुस्खे छपने लगे, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहुंचा दिए, ये हिफाजत की एक शक्ल है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी किताबों को नाज़िल किया, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सूरह ईसा हो, मूसा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, वो भी अल्लाह ताला की किताब है। लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमाया कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब की हिफाजत करेगा। 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब हमारे हाथों में बिल्कुल बिलवान महफूज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। यह हमारे लिए सआदत की बात होगी कि हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले बने, इसके माने को याद करें, इसकी तिलावत करें, इसके अल्फाज को याद करें, कुरान के हाफिज बने, यह हमारे लिए खुशी की बात होगी, सआदत की बात होगी। वरना अल्लाह तबारक व तआला इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है तो वो अल्लाह तआला हिफाजत करेगा, और यह ऐसी किताब है ला रैब फीह, किताब ला रैब फीह। इस किताब की एक अलग खसूसियत ये है कि इस किताब में किसी भी किस्म का कोई शुबहा नहीं, इसकी सारी बातें एक दलील है, एक बुनियाद है, एक उसूल है, एक तालीम है, एक नसीहत है। इस किताब में किसी भी किस्म का कोई शुबहा और डाउट नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी किताब हम सबको अता की है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस किताब को हम पढ़ें, समझें कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो यही होगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बदबख्त उठा है और ये कहता है कि कुरान की 36 आयतें निकाल दी जाए। बताइए, सोचने की बात है, वो आदमी कौन? वो कुरान का मानने वाला, वो आदमी कुरान का मानने वाला शिया है जरूर, लेकिन शियों के अंदर भी ये चीज है कि कुरान को मानते हैं। 30 पारा हम पढ़ रहे हैं, वो भी 30 पारा पढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि कुरान नाकिस, ये कुरान जो हमारे पास है नाकिस, हम कहते हैं नाकिस नहीं मुकम्मल, लेकिन शियों के यहाँ की चीज है जो कुरान को मानते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन न पढ़ने की वजह से, कुरान न समझने की वजह से अल्लाह का खौफ नहीं, तकवा नहीं, ईमान नहीं, अमल नहीं, आप इस तरह की बदबख्ती का काम कर बैठा कि पूरी दुनिया में शोर मच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको समझता फरमाए, सही समझता फरमाए और कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अबे रब्बुल आलमीन अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम मिन सारी ज़ुनूबी फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु ग़फ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।